भी आप चेक करो, 0612221172222 ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव फोन डिस्कनेक्ट हुआ 2016 में, तमाम कागजात आपको दिखाए, उसके बाद ये बिहार सरकार के वन मंत्रालय को गया और वहां से भी ये 19 में डिस्कनेक्ट हो गया। ये फोन असल में कहां है? कोई बाहर जाकर के बीजेपी के साथ लड़ रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहा है, आप साथ मिलकर बीजेपी से लड़ रहे हैं और पूरा बिहार आप दोनों से लड़ रहा है, तो आपने अब इस तरह के आपराधिक हथकंडे अपनाने शुरू किए। मैं BSNL को भी आपके माध्यम से कहता हूं, हमने चिट्ठी लिखी है और पूरा ब्यौरा मांगा है कि 3 महीनों में पहली बात ये बताओ कि ये फोन किसके पास है। 7:47 शाम को, यानी हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले की शाम में मिस्ड कॉल जाता है। ये मुजफ्फरपुर के एक साथी है, वो भी टिकट के दावेदार थे, उनसे भी उसी तरह की मांग की जाती है, रास्ते बताए जाते हैं, फलाना गोल नंबर पे आ जाओ, चुपचाप आना, ये रंग की गाड़ी दिखेगी, वगैरह वगैरह। ये कौन करवा रहा है इस तरह का निफेरियस डिजाइन, घटिया चीज, आपराधिक प्रवृत्ति, बिना सत्ता प्रतिष्ठान, मुखिया और मुखिया, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उनके सलाहकार मंडली के लोग के बगैर संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो गठबंधन दलों के नेता भी हैं, उन्होंने बदलाव का एक संकल्प लिया, चुनाव है, एक लहर है, एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलने वाला है 10 नवंबर, शायद वो चेहरा बदल जाने के डर से अब इस तरह की चीजों पर आ गए हैं, वो और उनके सपा। ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन इन हथकंडों के बाद आपने क्या छोड़ा बिहार की राजनीति? हमारे प्रतिपक्षियों से अब आप इस हरकतों पे आ गए, झूठा केस, मुकदमा, ये करो वो करो। अरे साहब, मुद्दों पे लड़ो। तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, ब्लू प्रिंट के साथ उसका जवाब दीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। मजदूरों की पीड़ा जो सड़कों पर हमने बिखरती देखी, उनका खून, उनका पसीना, और आपकी जुबान देखी उस वक्त की, वो जुबान बिहार कभी नहीं भूलेगा। मैं जिक्र कर रहा हूं एक टेलीफोन नंबर, वो है 0612, जो कि पटना का कोड है, 221-17-222। इस फोन के माध्यम से सत्ता प्रतिष्ठान बिहार के, और मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध बिना यहां बैठे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के संलिप्तता और सहमति के बगैर संभव नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले बताऊं, ये फोन हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी के पास था, 221-17-222। 2016 ईस्वी में ये फोन वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कागजात मेरे पास हैं, ये कागजात हैं डिस्कनेक्शन के, ये दूसरा कागजात है डिस्कनेक्शन का, ये 21/11/2016 को ये फोन नंबर 221-17-222 विच्छेदित हो गया। विच्छेदित होने के बाद हमारी नेता विधानमंडल दल की नेत्री, उनके आवास से विच्छेदित होने के बाद ये फोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर ऑफिस, वहां से ये फोन, मेरे पास कागजात हैं जो तस्दीक करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, BSNL की ओर से, कि ये फोन वहां से 18/3/2019 को विच्छेदित हो गया। अब आइए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हमने BSNL से पूछा, हमने वेबसाइट पर चेक किया, कहते हैं कि इस ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, आज की डेट में ये फोन नंबर
221, 17, 222 निबंधित नहीं है। अब आप आइए कि ये अगर निबंधित नहीं है, 19 सितंबर को इस फोन से मिस्ड कॉल जाता है। कई श्रृंखलाएं हैं उन मिस्ड कॉल की, 221, 17, 222 नंबर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, हमारे यहां से 2016 में विच्छेदित हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और फिर जब हम बीएसएनएल से कहते हैं तो कहते हैं ये फोन कहीं भी नहीं है, तो फिर फोन कहां से जा रहा है इस नंबर से? ये देखिए, 19 सितंबर को एक फोन गया सीतामढ़ी के हमारे एक टिकट के दावेदार को और कहा गया कि इतना पैसा लेकर के आप हाजीपुर आइए, लालगंज वाले रास्ते से आइएगा। फिर दूसरा इशारा कि 5 देश रतन मार्ग पे पहुंचिए, इतने पैसे लेके आइए। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरह अगर आप देखें, पहले मिस्ड कॉल जाता है, अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। आपको मैं कहता हूं इस कॉल पे कॉल करके देखिए, अभी आप में से जो भी मेरे साथी हैं, 0612-221-17222, 221, 17, 222 आप कॉल करिए, आपको आश्चर्य लगेगा। आप में से कोई कॉल करिए, मेरा फोन लाइएगा जरा, आप उस नंबर को कॉल करिए, ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव लिखकर के आता है। ये क्यों हो रहा है? कोई भी आप चेक करो, 0612-221-17222 ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव। फोन डिस्कनेक्ट हुआ 2016 में, तमाम कागजात आपको दिखाए, उसके बाद ये बिहार सरकार के वन मंत्रालय को गया और वहां से भी ये 19 में डिस्कनेक्ट हो गया। ये फोन असल में कहां है? क्या सरकार के मुखिया और उप मुखिया ने यह तय कर लिया है कि अब इसी माध्यम से आप, क्योंकि चुनाव की हवा आपके खराब है, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोई बाहर जाकर के बीजेपी के साथ लड़ रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहा है, आप साथ मिलकर बीजेपी से लड़ रहे हैं और पूरा बिहार आप दोनों से लड़ रहा है, तो आपने अब इस तरह के आपराधिक हथकंडे अपनाने शुरू किए। मैं बीएसएनएल को भी आपके माध्यम से कहता हूं, हमने चिट्ठी लिखी है और पूरा ब्यौरा मांगा है कि 3 महीनों में पहली बात ये बताओ कि ये फोन किसके पास है और इस फोन से कौन कॉल कर रहा है, तब जबकि ये डिस्कनेक्टेड फोन है। एक डिस्कनेक्टेड फोन, असल में मैं ये भी कह सकता था कि हम पुलिस की जांच करवाएंगे। आपको बता रहा हूं, जैसे 19 सितंबर का बताया, अभी 3 अक्टूबर 7:47 शाम को, यानी हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले की शाम में मिस्ड कॉल जाता है। ये मुजफ्फरपुर के एक साथी हैं, वो भी टिकट के दावेदार थे, उनसे भी उसी तरह की मांग की जाती है, रास्ते बताए जाते हैं, फलाना गोल नंबर पे आ जाओ, चुपचाप आना, ये रंग की गाड़ी दिखेगी, वगैरह वगैरह। ये कौन करवा रहा है चुनाव के दौरान इस तरह के हथकंडे, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति? और ये सब ऑन रिकॉर्ड साथियों आपके माध्यम से रख रहा हूं। अब आइए आज का, ये मैं आज की बात कह रहा हूं, आज सुबह फिर किसी और क्षेत्र के जो हमारे टिकट के दावेदार हैं, जो भी लोग बायोडेटा लेकर के घर के बाहर गेट पे, आप सब जानते हैं, आते हैं, वहां से साजिशन सरकार के आला लोग विभागीय महकमों से मिलकर के इस तरह की प्रवृत्ति, ये ओपन एंड शट केस है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि आप अगर इस तरह के प्रवृत्ति कार्यशैली से बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, बिहार ने मन बना लिया है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था इस तरह दुरुपयोग करके। अब आइए बिहार पुलिस के बारे में मैं कोई टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बिहार पुलिस के भूतपूर्व 2 मुखिया किस दल की शरण में हैं, आप देख लीजिए।
इसलिए दल की शरण में जाने से पूर्व उनकी हर उनके फैसले पर जब जब हमने एतराज किया, लोगों ने कहा नहीं। आज देखिए क्या हो रहा है, दोनों उसी दल में हैं जो दल ढलान पे है बिहार की राजनीति में। साथियों, फिर 1 अक्टूबर को यही होता है, फिर किसी क्षेत्र में फोन जाता है, मिस कॉल, वो कॉल बैक करता है, फिर उसको इशारा किया जाता है फलाने जगह आ जाओ, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख। ये आप और हम सोच भी नहीं सकते जिस स्तर पर इन्होंने बिहार की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं फिर दोहराता हूं, इस तरह का निफेरियस डिजाइन, घटिया चीज, आपराधिक प्रवृत्ति बिना सत्ता प्रतिष्ठान, मुखिया उप मुखिया, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी, उनके सलाहकार मंडली के लोग के बगैर संभव नहीं है। फिर से एक बार BSNL को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं। यह भी देखिए हाल के ही दिनों का है, ये सारे कॉल डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। और हमने तो अभी कॉल डिटेल्स मांगा है 3 महीनों का। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये BSNL से भी सवाल है, उनकी साख पे सवाल है, क्योंकि आप कहते हो ये फोन इंस्टॉल नहीं है। हमारे आवास से, यानी कि रावरी जी की आवास से 2016 में विच्छेदित हुआ, उसके बाद ये 18 में वन विभाग को गया और 19 में 18 मार्च को वन विभाग से भी डिस्कनेक्टेड हो गया, विच्छेदित हो गया। तो ये विच्छेदित फोन किससे संबंध बिठा गया, ये विच्छेदित फोन किसकी गोद में जाके बैठ गया, ये विच्छेदित फोन राजनीति का उपकरण बन गया, ये विच्छेदित फोन टेलीफोन महकमे के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोगों के की कारगुजारियों को अंजाम देने का एक जरिया बन गया। मैं इसलिए आनन फानन में हमने आपसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में एक जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो गठबंधन दलों के नेता भी हैं, उन्होंने बदलाव का एक संकल्प लिया। चुनाव है, एक लहर है, एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलने वाला है 10 नवंबर को। शायद वो चेहरा बदल जाने के डर से अब इस तरह की चीजों पर आ गए हैं, उन वो और उनके सखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन इन हथकंडों के बाद आपने क्या छोड़ा बिहार की राजनीति में। और मैं अभी भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप डिजाइन देखिए, जो फोन कहीं नहीं है, आप में से कोई अगर कॉल करके देखो, ट्रू कॉलर में आएगा तेजस्वी यादव। ये एक गंभीर आपराधिक मामला है। हम BSNL से भी आग्रह करते हैं, साझेदार ना बनिए गुनाहों के। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि जो उभार है वो संभल नहीं रहा है आपसे, हमारे प्रतिपक्षियों से। अब आप इस हरकतों पे आ गए, झूठा केस, मुकदमा, ये करो वो करो। अरे साहब, मुद्दों पे लड़ो। तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, ब्लूप्रिंट के साथ उसका जवाब दीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। मजदूरों की पीड़ा जो सड़कों पर हमने बिखरती देखी, उनका खून, उनका पसीना, और आपकी जुबान देखी उस वक्त की, वो जुबान बिहार कभी नहीं भूलेगा। जिस परिवार का एक भी व्यक्ति बाहर के शहर में नौकरी करता है, वो परिवार कभी नहीं भूलेगा कि उनके बंदों के साथ, उनके भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। हमारे शिक्षक भाई नहीं भूलेंगे, किसी को एक वेतन, किसी को दो वेतन, सालों साल लटका के रखे हुए हैं कई हर महकमे में। तो पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल इश्यूज पे होनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पे होनी चाहिए। अगर एक विच्छेदित टेलीफोन को आप आलिंगनबद्ध करके, गले लगा करके, आप सोच रहे हैं कि बिहार के मुद्दों का गला काट देंगे, वो कतई नहीं होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इस चुनौती को आपके समक्ष रखता हूं कि अनुसंधान कराएं और कौन लोग
कौन लोग इसमें संलिप्त हैं? अगर रसूखदार लोग भी हैं जो आपके साए में परवरिश पाते हैं, आपके साए में पलते हैं, उनको सजा सुनिश्चित हो। आप नहीं करेंगे 10 नवंबर के बाद जब एक अन्य मार्ग में चेहरा परिवर्तन होगा तब तो जरूर होगा। और ताकि बिहार में कतई भी कभी भी इस तरह की घटिया अशोभनीय आपराधिक प्रवृत्ति की बात ना हो। यही बात कह करके अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।